मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेयर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि मंच वालों से कह रहा हूं कि ध्यान रखना, अगर मेयर तुम्हारा नहीं हुआ तो उद्घाटन के लिए तरस जाओगे। पैसे तो हम भेजेंगे, वो नगर निगम को भेजेंगे, कोई मुख्यमंत्री सड़क बनाने नहीं आएगा, वह बनाएगा तो नगर निगम ही। सीएम ने जब यह बात कही तब मंच पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय प्रवास पर है। शनिवार को उन्होंने मां पीताम्बर देवी मंदिर पहुंचकर मां बंगलामुखी देवी के दर्शन किए और वन खंडेश्वर महादेव का जल अभिषेक किया। इसके बाद वो अधिकृत प्रत्याशियों से मिलने उनको संबोधित करने के लिए पहुंचे। उनके संबोधन के बाद प्रत्याशियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने नामांकन फॉर्म भरे। इस दौरान मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। कमलनाथ ने तानाशाही नियम निकाल कर पूरी कांग्रेस को असमंजस्य में कर दिया है। अलूर के KSCA ग्राउंड में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी 2021-22 के पहले सेमीफाइनल मैच में बंगाल को 174 रन से हराकर मध्य प्रदेश की टीम ने 23 साल के बाद टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। गौरतलब है कि MP टीम के 88 सालों के रणजी ट्रॉफी इतिहास में ये दूसरा मौका है जब टीम फाइनल तक का रास्ता तय कर सकी हो। इससे पहले 1999 में MP की टीम ने कर्नाटक के खिलाफ पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल खेला था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। देर रात व्हाट्सएप कॉल करने वाले एक शख्स ने खुद को इकबाल कास्कर का आदमी बताते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कहा, जल्द ही तुम्हारी हत्या होगी, हमें इसकी सूचना देनी थी तो दे दी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने व्हाट्सएप कॉल की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई, फिर देर रात टीटी नगर पुलिस थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई। नगरीय निकाय चुनाव के तहत शनिवार को नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव नामांकन दाखिल करवाने के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजवाड़ा पर एकत्रित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और भार्गव को मजबूत बनाने की मांग की। रैली के रूप में भार्गव कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इंदौर आए थे, लेकिन नामांकन रैली में शामिल नहीं हुए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।